तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि एक कॉयल है जिसमें इतना ज़्यादा हमारे पास ये टर्न दिया हुआ है, 800 टर्न है इफेक्टिव एरिया इसका, ये वाला है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला केस है। तो पहले केस में जो है इसका अगर मैं डायग्राम बना लूँ तो ये अपना कॉयल है और एरिया वेक्टर इधर है, दिस इज़ द एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है फाई वन, दैट इज़ बी ए यहाँ से cos 90, ठीक है, cos 90 जीरो, तो यहाँ से फ्लक्स फाई वन जीरो एसोसिएटेड है। अगर मैं इसको अब 90 डिग्री टर्न करता हूँ कॉयल को कोप्लेनर एक्सिस 0.1 सेकेंड में, तो ई एम एफ इंड्यूस, अगर मैं कॉयल को टर्न करूँ तो जो कॉयल को 90 डिग्री टर्न करूँ तो मैं कॉयल को इधर से ही घुमा देता हूँ 90 डिग्री ऐसे, तो ये जो कॉयल है वो कुछ ऐसे घूम के आ गया, तो अपना एरिया वेक्टर इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी इधर ही थी, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, तो थीटा हो गया जीरो। तो सेकेंड केस में जो फ्लक्स फाई टू आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स एन बी ए और यहाँ से कॉस जीरो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एन बी ए ये वाली चीज़, ठीक है। तो जो चेंज इन फ्लक्स आएगा, जो चेंज इन फ्लक्स आया, चेंज इन फ्लक्स आएगा दैट इज़ फ्लक्स फाई टू माइनस फाई वन, तो फाई टू यहाँ से आ जाएगा एन बी ए यहाँ से, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 800 है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 5×10^-5 है और एरिया वेक्टर यहाँ से तुम देखोगे तो 0.05 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये दो जीरो से ये जीरो जीरो ख़त्म हो गया और यहाँ से 40×5 और 10^-3, तो यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 200×10^-3, मतलब ये आ जाएगा 200 यहाँ से, तो 2×10 की, हाँ यहाँ से 40 नहीं, ये 10^, ये -5 तो रहेगा ना, तो यहाँ से ये 10^-5, तो 2×10^-3 मैग्नीट्यूड में, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द फ्लक्स चेंज, इतना फ्लक्स अपना चेंज आया है, ठीक है। अब कितना समय लिया फेराडे लॉ से, जो ईएमएफ डी फाई ओवर डीटी मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई अपन लगने वाला टाइम डेल्टा टी, तो 2×10 यहाँ 10^-3 और टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड लगा, ठीक है, जो 0., तो 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और यह आ जाएगा 2×10^-1, तो यहाँ से -2। अब जो है -2 मतलब 0.02 वोल्ट का जो मैग्नीट्यूड में वोल्टेज जो चेंज आया होगा, दैट इज अपना थर्ड ऑप्शन सही है।